नमस्कार दोस्तों, मैं राजन तिवारी आप सभी लोगों का मेरे शैल ज्योतिष मंत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। दिसंबर का एंड होने वाला है और नया साल आने वाला है। नए साल आने से पहले हर इंसान ये जानना चाहता है कि उसका आने वाला साल किस प्रकार से होगा, क्या उसको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, या उसको निराशा ही हाथ लगेगी। इन सभी के बारे में हर इंसान जानने को इच्छुक रहता है। तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से आपकी राशि का संपूर्ण हाल बताने जा रहा हूं। मैं आपकी राशि का जो भविष्यफल है वो 7 बिंदुओं पर बताने वाला हूं, मतलब वो 7 बिंदु जो आपकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा महत्व रखते हैं, उन बिंदुओं पर हम आपकी राशि को परखेंगे। जैसे स्वास्थ्य, धन संपत्ति, व्यवसाय, प्रेम और रोमांस, पारिवारिक संबंध और आखिरी में जानेंगे उपाय। तो इन 7 बिंदुओं पर आपकी राशि के हाल में आपको बताने वाला हूं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी राशि इन 6 बिंदुओं पर किस प्रकार से बिहेव करेगी, तो आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए पहले हम वृष राशि का सामान्य वार्षिक फल जान लेते हैं। तो ये वर्ष आपके लिए नई सफलता, नई उपलब्धि लाने वाला होगा। आपकी राशि से अष्टम भाव में पंच ग्रहों का योग एक महायोग बना रहा है, जो आपके लिए बहुत ही शुभ प्रभाव डालने वाला रहेगा। इस समय आप पर शनि की ढैया भी चल रही है, ऐसे में आपको थोड़ा धैर्य, थोड़े विवेक से काम लेने की आवश्यकता है। वर्ष के प्रारंभ में ही गुरु अष्टम भाव में होने के कारण आपको सेहत का ध्यान रखने की आवश्यकता है। पेट संबंधी समस्याओं का ध्यान रखें, बढ़ता हुआ वजन भी आपके लिए एक समस्या का कारण बन सकता है। यदि आप अपना घर खरीदने की लंबे समय से योजना बना रहे हैं या कोई नया वाहन खरीदना चाहते हैं, तो इस समय आप अपनी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। 30 मार्च के बाद गुरु भाग्य के स्थान में आने के कारण आपके लिए अपार सफलता के द्वार खोलने वाला है। मई के दूसरे सप्ताह के मध्य तक का समय आपके लिए शुभ कहा जा सकता है, लेकिन उसके पश्चात शनि और गुरु के बकरी होने के कारण आपको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। भाग्य का साथ भी आपको इस समय कम ही मिलेगा। विशेषकर शेयर बाजार में निवेश करने वाले जातक सतर्क रहें। सितंबर तक हालात मिले जुले रहने की उम्मीद है। 13 सितंबर से बृहस्पति के कारण आप स्वयं में एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे। भाग्य का भी आपको इस समय पूर्ण सहयोग मिलेगा। 30 सितंबर के बाद राहु अपनी उच्च राशि में आने के कारण आप अपनी क्षमताओं की पहचान कर अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते हैं, जिसके कारण आपको प्रशंसा व पुरस्कार दोनों मिल सकते हैं। जमीन जायदाद का सुख भी आपको मिल सकता है, विशेषकर पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है। लेकिन इसी समय केतु के राशि बदलकर अपनी राशि में जाने के कारण पर्सनल लाइफ में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की दृष्टि से वृष राशि वालों का ये साल उत्तम रहेगा, परंतु गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। गैस से संबंधित कुछ परेशानियां बढ़ सकती हैं। एलर्जी तथा हाई ब्लड प्रेशर और शुगर की परेशानी भी आपको साल भर परेशान कर सकती है, इसलिए आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और ऐसी किसी भी प्रकार की चीज़ों का सेवन न करें जिसके कारण इन तमाम परेशानियों से आपको सामना करना पड़े। चलिए बात करते हैं हम धन संपत्ति की। तो वृष राशि वालों के लिए ये साल आर्थिक दृष्टि से काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है। जनवरी के अंतिम सप्ताह में शनि के राशि परिवर्तन करने के कारण नौकरीशुदा लोगों के लिए वेतन में वृद्धि और बिजनेसमैन के लिए धन लाभ के योग बन रहे हैं। मार्च के अंत में गुरु और शनि के साथ होने के कारण फाइनेंशियली स्थिति काफ़ी अच्छी रह सकती है। मई में आपको फाइनेंशियली डिसीजन थोड़ा सोच समझ के लेना पड़ेगा। इस समय आपका पैसा रुक रुक कर आएगा और कर्ज के रूप में दिया गया पैसा भी वापस मिलने में परेशानी हो सकती है। सितंबर का महीना हर फील्ड में आपके लिए थोड़ा स्लो रहने वाला है, लेकिन सितंबर माह के बाद गुरु और शनि के मार्गी होने तथा राहु केतु के राशि परिवर्तन के कारण आपको फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अच्छी रहने के आसार लग रहे हैं। जो लोग किसी बाहरी कंपनियों के साथ मिलकर व्यवसाय करने वाले थे, उनको आर्थिक रूप से ये समय लाभ देने वाला रह सकता है। नवंबर के आखिरी में आप स्वयं को एक मजबूत स्थिति में पा सकते हैं। चलिए बात करते हैं करियर की। तो वृष राशि वालों के लिए ये वर्ष करियर की दृष्टि से कई चुनौतियां लेकर आने वाला है, लेकिन वर्ष की प्रथम तिमाही के अंत में आपके लिए एक बेहतर अवसर आ सकता है। इस समय दोस्तों, परिजनों, नज़दीकी रिश्तेदारों से करियर संबंधी अच्छी सलाह मिल सकती है। 11 मई के बाद शनि व गुरु के बकरी होने से कामकाजी जीवन में एक धीमापन आ सकता है। इस समय आप भाग्य के भरोसे ना बैठें
और स्वयं पर विश्वास रखें और मेहनत करते रहें। 15 सितंबर के बाद आप एक नई ऊर्जा के साथ अपने करियर में आगे कदम बढ़ाएंगे। अतीत में किए गए प्रयासों का और की गई मेहनत का फल आपको इस समय अवश्य मिलेगा। यही वह समय है जब राहु आपकी प्रतिभा को बढ़ाएगा और साथ ही अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का अवसर भी प्रदान करेगा। सितंबर के बाद जो लोग विदेश में किसी प्रतिष्ठित संस्थान में उच्च शिक्षा या कोई प्रोफेशनल कोर्स करने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए काफी पॉजिटिव समय रहेगा। तो चलिए बात करते हैं प्रेम और रोमांस की। तो वृषभ राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में ये साल बहुत ही रोमांटिक रहने वाला है। आपकी उम्मीद और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। आपको मनचाहा पार्टनर मिल सकता है। इस वर्ष आपको जीवन साथी का सहयोग अवश्य मिलेगा। इस वर्ष आपके लिए आपका पार्टनर काफी सपोर्टिव रहने वाला है। बृहस्पति की नवी दृष्टि आपके स्वभाव पर पड़ रही है, जिससे आपके लिए घर में सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि मई में शनि और गुरु के वक्री होने से आपके लिए परिस्थितियां थोड़ी विकट हो सकती है। इस समय अपने साथी के साथ किसी तरह के कम्युनिकेशन गैप से बचे, अन्यथा गलतफहमी पैदा हो सकती है। सितंबर का महीना आपको बहुत ही सोच समझकर चलने वाला रहेगा। नवंबर में गुरु के पुनः भाग्य स्थान में शनि के साथ आने से आपके लिए चीजें आसान होने लगेगी। कुल मिलाकर वर्ष का शुरुआती समय थोड़ा संभल कर चलने का है, लेकिन वर्ष का अंत समय आपके लिए उत्साहजनक रहेगा। चलिए बात करते हैं पारिवारिक जीवन की या घर परिवार की। तो पारिवारिक दृष्टि से यह साल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपकी राशि के भाग्य स्थान में शुक्र के मौजूद होने से आपको परिवारजनों का भरपूर सहयोग मिलेगा। आपकी पारिवारिक लाइफ इसलिए भी अच्छी कही जा सकती है क्योंकि वर्ष की शुरुआत में मंगल आपकी राशि में सप्तम भाव में स्वराशि का होकर बैठा है। यह एक सफल पारिवारिक जीवन की ओर इशारा करते हैं। इस वर्ष जो जातक खुद का घर लेने का सपना संजोए हुए हैं, वह अपने घर में प्रवेश कर सकते हैं या घर का नवीनीकरण भी करवा सकते हैं। मई में गुरु व शनि वक्री हो जाएंगे, उस समय आपको थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। किसी बात को लेकर परिवार में मतभेद हो सकता है। सितंबर तक आपको अपनी फैमिली लाइफ में ये उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। सितंबर के अंतिम दिनों में केतु के कारण आप गलत फहमी के शिकार हो सकते हैं, जिसके कारण आपके पारिवारिक जीवन में कलह कलेश हो सकती है। तो ये तो था आपकी राशि का हाल। अब हम जान लेते हैं उपाय के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि आपका इस साल हर दृष्टि से अच्छा हो, हर क्षेत्र में आपको सफलता मिले, तो इसके लिए आपको लक्ष्मी जी के श्री यंत्र का पूजन करना चाहिए। साथ ही चावल और शक्कर का दान भी आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। आप चाहें तो हीरा या लहसुन या रत्न आप अपने दाहिने हाथ की उंगली में धारण कर सकते हैं, जिससे कि आपको अपने सभी कार्यों में सफलता के लिए बल मिल सकेगा। तो कैसा लगा आपको वीडियो और इसमें दी गई जानकारी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा।